हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल के सब स्टेशन पर आए हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि हमारी जो एचटी सप्लाई कैसे कैसे आती है और यहाँ पर 10 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सभी सिस्टम आपको लाइव दिखाएंगे और बहुत सारे हमारे साथियों को जियो स्विच के बारे में नहीं पता होता है, तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जियो स्विच क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये है जियो स्विच। जियो यानी कि ग्राउंड ऑपरेटेड स्विच या गैंग ऑपरेटेड स्विच। दोस्तों, आप लाइव देख सकते हैं, ये हमारा जोड़ा है और यहाँ पे 33 केबीए की सप्लाई आई हुई है और अभी हमने जियो स्विच से लाइन को डिसकनेक्ट किया हुआ है, लाइन डिसकनेक्ट कर रखी है और जियो स्विच के बाद हमारी जो सप्लाई आई है, यहां पे एक ब्रेकर लगा हुआ है। लाइए थोड़ा कैमरे को आगे, इधर से दिखाइए। यह है आईपीडीएस। आईपीडीएस यानी कि ये हमारा एक हाई टेंशन का ब्रेकर है और इस पे इसका जो नाम दे रखा वो आउटडोर पोर क्लीन क्लैड बीसीबी यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये हाई टेंशन का एक ब्रेकर है, यहां से हम आगे की आउटगोइंग सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जियो स्विच के द्वारा भी हम लाइन को काट सकते हैं आउटपुट को, और इस ब्रेकर के द्वारा भी काट सकते हैं। लाइए थोड़ा कैमरे को आगे, थोड़ा ऊपर दिखाइए दोस्तों, पीछे से दिखाओ थोड़ा। ये हमारी 33 केबीए की सप्लाई आई हुई है तो एक लाइन तो हमने यहां से उठाई है, क्योंकि यहां पे 10-10 मेगावाट के दो ट्रांसफार्मर हैं। एक ये सामने देख सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर के लिए हमने सप्लाई उठाई है और थोड़ा इधर दिखाइए, एक हमने यहां से, ये सामने दिखाओ थोड़ा सा, उस ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई उठाई हुई है। और दोनों के लिए ट्रांसफार्मर से पहले हमारे बीसीबी ब्रेकर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए। थोड़ा पास से लाओ, बीसीबी यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, थोड़ा इधर दिखाइए। एक हमारा ये बीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और दोस्तों, इधर से दिखाइए थोड़ा सा इसके बारे में भी, ये जो आप थोड़ा ऊपर दिखाइए, ये भी हमारा जियो स्विच है यानी गैंग ऑपरेटेड स्विच। यहां से भी हम ट्रांसफार्मर से पहले जो लाइन है उसको मेक एंड ब्रेक कर सकते हैं। और ये सभी जो लगे हुए हैं हमारे, ये सभी इंसुलेटर हैं, इधर लाइए थोड़ा सा। और दोस्तों, ये इंसुलेटर से, इधर दिखाओ थोड़ा, इंसुलेटर आप देख सकते हैं, अर्थिंग के द्वारा हमने तीनों इंसुलेटरों को कनेक्ट कर रखा है और अर्थिंग से हमने ये कनेक्ट किया हुआ है, यानी एक तरह का ये सर्ज अरेस्टर है भाई। किसी आसमानी बिजली के कारण या जो हमारी 33 केबी की सप्लाई है उससे एक्स्ट्रा अचानक कोई वोल्टेज आ जाते हैं तो, या हमारे ये जीआई की एंगल है इसमें किसी तरह का लीकेज करंट ना हो, तो यदि ऐसा कुछ होगा तो यहां से हमारा, ये आप देख सकते हैं, अर्थिंग के द्वारा ग्राउंड हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं,
ये हमारी प्राइमरी साइड है। प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों वो होती है जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है, एचटी से कनेक्ट होती है। और हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो हाई टेंशन से कनेक्ट होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग जिस पर लोड डाला जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और ये जो हमारा ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है आप आसानी से पहचान सकते हैं, ऑयल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में हमारी ये फिन्स होती हैं। और ऑयल टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम हमेशा खुले एरिया के अंदर लगाते हैं। थोड़ा आगे ले आइए दोस्तों, जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ेगा तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो लोड पड़ने से ऑयल हीट होता है, और ऑयल हीट होने के बाद ये हमारी फिन्स हैं, इन फिन्सों के अंदर ऑयल सर्कुलेट होता है। और इन फिन्सों में से जब क्रॉस वेंटिलेशन नेचुरल एयर का होता है तो उसके द्वारा ये ऑयल हमारा ठंडा होता है। आइए दोस्तों अब हम ये जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर में हम कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम नेफ्ता मिनरल ऑयल का उपयोग करते हैं। ये हमारे ड्रेन पॉइंट है, यहां से हम ऑयल ड्रेन कर कभी ड्रेन करना हो ड्रेन करते हैं। और थोड़ा ऊपर दिखाइए, ये जो आप गोल गोल सा टैंक देख रहे हैं दोस्तों ये है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो लोड के कारण कोई भी चीज हीट होने के बाद फैलती है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है जब उस पे लोड पड़ता है ऑयल फैलता है, तो इस कंजर्वेटर को हम कभी भी पूरा नहीं भरते हैं, इसको हम हमेशा आधा ही भरते हैं। ये ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता। इधर दिखाइए, थोड़ा इधर दिखाओ मीटर की तरफ, इधर से थोड़ा हिले नहीं वीडियो। ये जो मीटर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम MOG, यानी मैग्नेटिक ऑयल गेज। इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि भाई हमारे कंजर्वेटर का जो ऑयल का लेवल क्या है। इधर दिखाइए थोड़ा सा, MOG के द्वारा भी हमें कंजर्वेटर टैंक के लेवल का पता चल जाता है। उसके बाद भी हमें ये ऑयल लेवल के लिए इधर एक लेवल दिया हुआ, इससे भी हमें कंजर्वेटर के ऑयल लेवल का पता चलता है। और दोस्तों ये जो छोटा सा पार्ट्स गोल गोल आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ब्रीदर। भाई ब्रीदर का काम होता है सांस लेना। जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता हमारा ऑयल हीट होता है तो उस टाइम जो हमारे कंजर्वेटर ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है, और जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड घटता है ऑयल धीरे धीरे हमारा ठंडा होता है, तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। तो ब्रीदर एक तरह से इसको ये मानो ये ट्रांसफॉर्मर की नाक है। और जो दोस्तों इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो है सिलिका जेल। आइए दोस्तों ये जानेंगे कि ये जो सिलिका जेल है जब ये कलर में अच्छी होती है तो किस प्रकार की होती है, किस कलर की होती है। तो दोस्तों ये जो सिलिका जेल है जब ये अच्छे प्रकार की होती है तो ये ब्लू कलर की होती है, और जब ये नमी सोख जाती है तो पिंक कलर की हो जाती है। और सिलिका जेल का काम ये है दोस्तों, जब हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है तो जो भी ऑक्सीजन के साथ नमी है उस नमी को ट्रांसफॉर्मर में जाने से रोकता है। क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम नेफ्ता मिनरल ऑयल का उपयोग कर रहे हैं, यदि हम सिलिका जेल का उपयोग नहीं करेंगे तो जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में ऑयल है उसका इंसुलेशन गुण खराब हो जाएगा, उसके अंदर नमी की मात्रा चली जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा समय समय पर ब्रीदर की सिलिका जेल को चेक करते रहते हैं, ये हमेशा ब्लू कलर की होनी चाहिए। और दोस्तों
इसके नीचे ब्रीदर के नीचे एक छोटी सी डब्बी और लगी होती है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर, थोड़ा पास से दिखाओ, ट्रांसफॉर्मर का ऑयल भरा होता है और उस ऑयल का काम होता है कि जो भी हमारे ऑक्सीजन के साथ में डस्ट पार्टिकल होते हैं ऑयल उनको अंदर जाने से रोकता है। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे इंसान की नाक होती है, नाक के अंदर बाल होते हैं, तो बालों का काम यह है जब हम किसी डस्टफुल एरिया से निकलते हैं, हमारे जो अंदर सांस के साथ गंदगी आती है तो बाल गंदगी को अंदर जाने से रोकते हैं। उसी प्रकार तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा ब्रीदर कार्य करता है, और ये जो ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों ये हमारा ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि दोस्तों यदि ये हमारा ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर होता तो इसके साथ में हमारा ओएलटीसी दिया हुआ होता, ओएलटीसी यानी कि ऑन लोड टेप चेंज कंट्रोलर। दोस्तों आइए अब हम ये जानेंगे कि ओएलटीसी का क्या वर्क होता है। दोस्तों ओएलटीसी का मतलब होता है जैसे हमारे जो भी इनपुट सप्लाई आ रही है यदि उसमें हाई वोल्टेज आ रहे हैं या कम वोल्टेज आ रहे हैं तो उनको हम 10-20 वोल्टेज अप या डाउन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें लोड को काटना नहीं होता है। तो हमारा ये अभी ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है, इसकी हम टेपिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, और यदि ऑन लोड होगा तो ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर के साथ में हमारा यहां पर ट्रांसफॉर्मर के साथ में ओएलटीसी लगा होगा, और जहां पर हमारा मेन पैनल होता वहां पे आरटीसीसी पैनल लगा होता, आरटीसीसी यानी कि रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर। तो दोस्तों ये ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से केबल उठी हुई है और ये गई है हमारी सीधी मेन इनकमर के लिए, यहां से सीधी हमारा उधर आप देख सकते हैं उधर की तरफ ये हमारा मेन इनकमर पे पहुंची है, और मेन इनकमर के बाद में हमारी कई जगह सप्लाई पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये सभी अलग अलग हमारे मेन इनकमर से फीडर दे रखे थे जो हमारे आउटगोइंग के लिए, आप देख सकते हैं कि भाई सब स्टेशन में किस प्रकार के सिस्टम लगे होते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को अधिक से अधिक अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्केल्ड के साथ में। दोस्तों हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन टेक्निकल कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइड पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में दी हुई है, हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है, और 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम जो 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं उसका भी कोई चार्ज नहीं लेते। तो आइए दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि भाई हमने कोर्स की फीस क्या रखी है, तो दोस्तों हम मात्र 2500 रुपये जब बच्चा कोर्स ज्वाइन करता है तब लेते हैं, और 2500 रुपये जैसे ही बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब लेते हैं। तो इस तरह से कोर्स की जो टोटल फीस है वो मात्र 5000 रुपये है, भाई इतना सब कुछ मात्र 5000 रुपये में, हॉस्टल फैसिलिटी फ्री, जॉब प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब मात्र 5000 रुपये में।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्केल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद जय भारत।